पवन जायसवाल की बारी आई, मैं कहा कि दिसंबर में पुल पर आप ही को चलाएंगे। राजद से जीते थे जो दिन रात खबरदारी करते हैं कि पूरा मुसलमान मेरा है, लालटेन का है, बदुआ मजदूर बनाने का प्रयास करते हैं मुसलमानों को पार्टी के नाम पर। नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं सानिक सानिक के सुबह के समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठनिक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी शामिल हुए। शामिल होकर सभी कार्यकर्ताओं का मान एवं सम्मान बढ़ाए। मंच से विधायक जी ने घोषणा की कि फुलवरिया पुल का निर्माण दिसंबर तक होना है। दिसंबर तक उन्होंने ये भी वादा किया कि दिसंबर तक पुल पे लोगों को चलाना है। तो चलिए बाकी बात हम विधायक जी से ही जानते हैं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरे वतन हिंदुस्तान। मातरे वतन हिंदुस्तान। मातरे वतन हिंदुस्तान। को वोट आप देते हैं चाहे आप 1,000 दें, 2,000 दें, 5,000 दें, लेकिन भाजपा की पट्टी कमल छाप का और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाने में परहेज होता है। वोट तो देते ही है, बरेवा में हमको 400 वोट मिल जाता है, वोट मिल जाता है, कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन भाजपा के कमल से परहेज किया जाता है। ये परहेज लोग नहीं करते हैं, ये परहेज कराने वाले लोग होते हैं। पवन जायसवाल से कैसे दूरी पैदा किया जाएगा, ये कराने वाले लोग होंगे जो पवन जायसवाल से दूरी पैदा करना चाहते होंगे, दूर रखना चाहते हैं। उसी प्रकार भाजपा से दूर रखने वाले लोग हैं जो समाज को गुमराह करते हैं कि भाजपा गलत है। मैं तो कहता हूं कि पार्टी कोई गलत नहीं है। कहां चले गए थे भाई साहब? मेरा तो राजपाट नहीं था, मैं तो विधायक में हार गया था, दूसरे विधायक जीत गए थे और एकदम कंप्लीट अकली। राजद से जीते थे जो दिन रात खबरदारी करते हैं कि पूरा मुसलमान मेरा है, लालटेन का है, बदुआ मजदूर बनाने का प्रयास करते हैं मुसलमानों को पार्टी के नाम पर। 2.5 साल तक इस राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार थी, गठबंधन में सरकार थी, पथ निर्माण मंत्री थे पवन जायसवाल ने फुलवरिया घाट को जहां पर छोड़ा था, 5 साल में पहले के विधायक ने एक ईंटा उस पर जोड़ने का काम नहीं किया। पवन जायसवाल की बारी आई, मैं कहा कि दिसंबर में पुल पर आप ही को चलाएंगे, चाहे जैसे चलाना पड़ेगा वैसे चलाएंगे, पुल को बनवाएंगे और पटना में बैठ के मैं देखा कि पुल का काम धीमा हो जाएगा। जो ठेकेदार है वो चरमरा रहा था कि रेट कम हो गया है, छड़ का दाम महंगा हो गया, कैसे होगा, हमको लगा कि दिसंबर में पुल चालू नहीं कर पाएगा। बैठ के पटना में सेक्रेटरी के यहां कल उस टेंडर को कैंसिल करा के फिर से फुलवरिया घाट का टेंडर निकलवाने का काम किया। 4 दिन के अंदर में अखबार में फुलवरिया घाट का रीटेंडर होने जा रहा है, रीटेंडर होगा, कोई टेंडर डालेगा और दिसंबर में फुलवरिया घाट के छत की भलाई करवा के रहेंगे, ऐसी विधायकी की शुरुआत मैंने ढाका के प्रति पर किया। 2.5 साल लाल तेजस्वी यादव जी की सरकार में यहां के विधायक ने क्या किया, ईटा क्यों नहीं छोड़ा? जमुआ घाट मैंने शुरू किया था, मैं विधायक था उस समय, नाम गिनने से नहीं होता है, काम गिनाने से होगा। ये आईबी जहां बैठ के कादरी साहब आ रहे हैं, ऐसा भवन था आईबी का, देख रहे हैं खपड़ा का टूटा फूटा, आदमी सोता था तो लगता था सांप ऊपर से नीचे गिर जाएगा। पीछे का बिल्डिंग जहां आईबी है भी मैं बनाया था। और फेसबुक देखिए नौजवान भाइयों, हिंदू मुसलमान भाइयों, आपने जिसको वोट दिया है मोदी जी के नाम पर या हमारे काम पर या कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आपका ये पवन जायसवाल कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें ढाका घोड़ासान चंपारण की आवाज को बिहार के विधानसभा में बुलंद करने का काम नहीं करता है। चाहे 7 काटे पर 4 लाख रुपये मिलने का मामला होता, चाहे किसानों के दलहन का मामला होता, चाहे पंचायत प्रतिनिधियों की 15 का मामला होता, सैकड़ों मामले हैं जिसका प्रस्तुत मैं विधानसभा में करता हूं। पिछले 5 साल में ढाका की आवाज और ढाका के जनप्रतिनिधि की आवाज को सुनने का काम न तो विधानसभा में किसी ने किया था, न तो टीवी रेडियो वाले कभी सुन पाते थे। वोट चाहे कम दे या ज्यादा दे, मैं प्रतिनिधि ढाका का हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जो भाई साहब कल तक लालटेन को देखते थे
2025 में कमल के फूल छापो देखने का काम करेंगे। रामकुल्ला का तो कभी हमारे मन पर नहीं बैठे, ईवी तो लाल देने के लिए मरते थे पहले, कहा अगले चुनाव के लोग हम लोग को मन पाते हैं, मोदी जी के पार्टी का भाई हमें नहीं खिलाएंगे, कहे नहीं चलिएगा। मोदी जी 6 साल में कुछ नहीं खिला रहे हैं। पवन जायसवाल थे 95 में राजनीति में आया, 95 से लेकर अभी तक मैंने कभी कुछ बिगाड़ने का काम नहीं किया। ठीक है, जाने अनजाने में गलती होती होगी, आप भी करते होंगे, हम भी करते होंगे, हम अगर अनजाने में भी करते हैं तो मैं कहता हूं हमसे कोई गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन अच्छे काम की प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी। केवल जाति और पार्टी के नाम पर तो पवन जायसवाल की प्रशंसा करने की जरूरत है, न दूसरे नेता की प्रशंसा करने की जरूरत है। काम का तुलना कीजिए तब प्रशंसा करने का काम कीजिए। हम तो चुनौती देते हैं कि ढाका में क्या मतलब हो रहा है ढाका से। मैं विधायक था ढाका में, स्टेडियम बनाया, इस बार जीत गया तो थोड़ा सा बना रहे हैं, तो पहले वाला का स्टेडियम कहां से लगे थे। दो जगह इंटर की पढ़ाई होती थी, एक थोड़ा सा हमें ढाका में, मैं विधायक बना 7 जगह नया इंटर की पढ़ाई शुरू कराया और 100 दिन मेरा पूरा नहीं हुआ, इस बार विधायक बना तो फिर 6 जगह नया ढाका में इंटर की पढ़ाई शुरू करा दिया। चाहे करवावा का कन्या हो, 6 जगह नया इंटर की पढ़ाई शुरू कराया। हमें काम से मतलब है, हिंदू और मुसलमान के बच्चे कहां पढ़ते हैं इससे मुझे मतलब है, इससे पहले के नेता को मतलब नहीं था। मैं अगर आपके बच्चों की चिंता करता हूं, हमारी पार्टी अगर आपकी चिंता करती है, हमारे नेता और कार्यकर्ता अगर आप लोगों की चिंता करती है, आप अकलियत भाइयों आपको भी हम लोग की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ईमान ऐसे नहीं कहा जाता। मुसलमान का मतलब होता है मुसलमान ईमान। पवन जायसवाल गलत है तो पवन जायसवाल का विरोध कीजिए, पवन जायसवाल सही है तो दूसरे का विरोध कीजिए, पवन जायसवाल का साथ दीजिए। हमारी पार्टी की नीति अगर अच्छी है, हमारी पार्टी का समर्थन कीजिए। आपका आशीर्वाद चले या प्यार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को मिलना चाहिए। अगर भाजपा मुसलमानों की विरोधी होती तो भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता, हिंदू